नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज बुधवार है और आज हेल्थ की बारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केएल गर्ग, जो अपने चैनल पे लगातार ये बताते हैं कि आदमी स्वस्थ कैसे रहे। पहले शुगर के बारे में बताया था, पेट संबंधी बीमारियों के बारे में बताया था, आज बारी है बीपी की। जी हाँ, ये बीपी ब्लड प्रेशर ऐसा है कि अगर शरीर में कम हो जाए तब भी आप बीमार हो जाएंगे और ज्यादा हो तब भी यह खतरनाक है। तो आखिर बीपी को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको लेकर हम आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है केएल गर्ग जी प्रवासी एक्सप्रेस में। धन्यवाद सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सेवा का मौका दे रहे हो, हम इसके लिए बड़े आभारी हैं आपके। सर, पिछली वीडियोज हमने जो बनाई थी, जो लोगों के पास भेजी थी, उसमें काफी लोगों की क्वेरीज आए और लोगों ने कहा कि बीपी के बारे में डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि बीपी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में आप बताइए कि किस तरह से लोग कंट्रोल। सुशील जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हम कह सकते हैं 30-40% जो हैं लोग बीपी के शिकार हैं। और सबसे बड़ी तो जो व्यवस्था है, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर, तो ये जो दोनों हैं, इसमें जो हाई है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोअर बहुत कम रहता है, 2-4% में लोअर होता है, हाई ज़्यादा रहता है। तो ये उच्च रक्तचाप जो हमारे शरीर में एक बार आता है, तो हमारे जो डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं और हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप उनके पास जाते हैं, वो चेकअप कराते हैं और उसके बाद आपको एक गोली बता देते हैं कि ये गोली आप लेते रहिए। कुछ समय के बाद आप फिर उनको दिखाते हो कि नहीं, मेरा तो जो उत्तर जो हाई बीपी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको दवाई चेंज करके उसकी पोटेंशियलिटी बढ़ा देते हैं और इस तरह आदमी का जीवन निकलता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया कि जो एक बार जो दवाई लेता है उसकी दवाई छूट जाए। मतलब एक बार बीपी की दवा शुरू हो गई तो शुरू हो गई, ऐसा देखने में आ रहा है। तो हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर साहब हैं या हमारे घर में भी रिश्तेदारी में भी जो मरीज हैं, एक बार जब वो दवाई शुरू हुई है तो वो लेनी ही पड़ती है, ऐसा उनका अनुमान है। वो बताते हैं कि अगर आप नहीं लेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा। अब मन में ये विचार पैदा होता है सुशील जी कि ये इतनी भयानक बीमारी है तो फिर ये पैदा ही क्यों होती है, ऐसा उपाय किया जाए कि बीमारी पैदा ही ना हो। तो उसके लिए जो मैंने आपसे पहला सेशन लिया था कि हमारा जो पेट है वहीं से सारी बीमारियां शुरू होती हैं, तो हमें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें पूरी कोशिश करनी कि हमारा पेट साफ रहे, मल हमारा साफ रहे, समय पे आए, रोज आए, दो बार आ जाए कोई चिंता नहीं दिन में, लेकिन एक बार तो मल सुबह जरूर आए। ये प्रकृति का एक नियम है कि शरीर की सफाई का एक नियम है, अगर इस नियम में कहीं अवरोध है तो जो मैंने पिछले उसमें सारी बातें बताई थी कि आप त्रिफला चूर्ण लें, हरड़े का चूर्ण लें, खाने पीने का जो सात्विक भोजन करें, दालों को छोड़ दें, और आपकी जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए। हाई बीपी के 2-3 कारण हैं। जो लोग रात को लेट सोते हैं या लेट उठते हैं, या कुछ ऐसा बिजनेस है कि जितनी एक आदमी को 6-7 घंटे की जो नींद है वो लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते, और हमेशा ही उनकी नींद कम रहती है, तो धीरे धीरे वो बीपी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा बीपी का जो आजकल जो कलयुग में जो ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो है तनाव, टेंशन। 40-50 साल पहले हमारे दिमाग में सुशील जी कोई तनाव ही नहीं होता था। गरीब से गरीब घर के अंदर भी जो मिल गया बच्चे खुश रहते थे, जो मिल गया वो पहन लेते थे। स्कूल के अंदर याद आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल थी और उसमें निक्कर हमें खाकी पहननी थी और खाकी कमीज पहननी थी, और कोई लंबा चौड़ा जो था वो खर्चा नहीं होता था। और गवर्नमेंट स्कूल के ही हम सब पढ़े लिखे हैं, तो माँ बाप पे भी कोई पढ़ाई का इतना खर्चा नहीं आता था। अब जीवन शैली पूरी बदल चुकी है, जीवन शैली का प्रभाव ने भी हमारा बीपी बढ़ाया है, तनाव ने भी हमारा बीपी बढ़ाया है। हमारा भोजन समय से नहीं करते, कोई भी टाइम नहीं है, कुछ भी भोजन करते हैं, उन्होंने भी हमारा बीपी बढ़ाया। तो अब सवाल तो ये है कि बीपी हमारा बढ़ गया, हमें पता चल गया कि हमारा जो उच्च रक्तचाप है
वो भरा हुआ है। अब हम इसको कैसे ठीक करें, ये मन में विचार आता है। तो पहले तो एक पूरी कोशिश करनी है कि आप जो अपना जो पेट है उसकी जो विधियां आपको बताई थी, पेट को आप फिट रखें, खाने का सिस्टम ठीक। इसके बाद दो प्राणायाम हैं जो बीपी में आपकी बहुत मदद करेंगे, हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए जी दो प्राणायाम है, एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? मैं सुशील जी अभी बताता हूं सबके सामने ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर आप कुर्सी पे बैठ जाओ, जो जमीन में नहीं बैठ सकते, घर में दो तीन गमले हैं उनके आसपास बैठ जाओ, जहां कोशिश करो सुबह का टाइम हो, सूर्य भगवान उदय ना हुए हों, उस समय बैठ जाओ तो और भी अच्छा है 15-20 मिनट के लिए। तो आपने अपने दोनों हाथ घुटनों पे ऐसे रख लेने हैं और एक अगर उंगली दबा लो और बाकी तीन उंगली सीधी रखो तो इसके भी कई आपको फायदे अलग से होंगे। अब आपने पूरा जो सांस है वो आपने भरना है। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ने करना है, ये सूर्य है ये चंद्रमा है, ये सूर्य नाड़ी है ये चंद्रमा है, ये ईड़ा है ये पिंगला है और यहाँ पे हमारे सुषुम्ना नाड़ी है। जब हम इस नासिका से इसको दबाते हैं, ये दो उंगली हमने जोर नहीं लगाना, सहज भाव से नासिका पे अंगूठा रखा, पूरा सांस धीरे धीरे भरना है बिल्कुल आराम से। जब पूरा सांस भर लें 2 सेकंड के लिए सांस रोकें, उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, रोकिए। फिर रोकने के बाद जिस नाक से आपने सांस भरा था उस नाक को इन दो उंगलियों से दबा लें और दूसरी नाक से छोड़ दें। दूसरी नाक से छोड़ने के बाद उसी वक्त उसी नासिका से फिर दोबारा सांस भरें धीरे धीरे, 2 सेकंड रोकें, फिर अंगूठे से उसको दबाएं, फिर दूसरे। इस तरह अगर हम लगातार 10 से 15 मिनट हर रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो तनाव है, हमारे जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसका भोजन है सम शीतोष्ण वायु। इधर से वायु गई, जो सूर्य जो है वो गर्मी की वायु देता है, जो चंद्रमा है वो ठंडक देता है, और दोनों वायु मिक्स होके जब जाती हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी का भोजन है। अब जब हम रोज उसको भोजन देंगे तो हमारे पूरे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और हमें तनाव नहीं होंगे और हमें बीपी नहीं होगा, हाई बीपी जो है वो नहीं होगा। तो हमें जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है इसको करना है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बैठें, किसी भी प्राणायाम के लिए बैठें, तो 3 बार ओम का उच्चारण जरूर करना है। मैंने पहली अपनी वीडियो के अंदर सुशील जी के साथ बैठ के आपको बताया था, आप कोई भी कार्य करें 3 बार ओम का उच्चारण करें, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बाहरी संसार से आपका मन जो है वो लग जाएगा और इस तरह आप अनुलोम। अब दूसरा है नाड़ी शोधन, भस्त्रिका भी कहते हैं। इसके अंदर आपको पूरा सांस भरना है, मनी मन में आपने 4 गिनना है। पूरा सांस भरा, मनी मन में 2 गिनना है, सांस को रोकना है, और मनी मन में 7 गिनते हुए सांस को छोड़ देना है। आप देखिए तो ये नाड़ी शोधन है, आपका जो रक्तचाप है शरीर के अंदर, आपके जो लंग्स हैं, ये कितने समय तक करना है? ये 10-10 मिनट अगर हम रोज कर लें, सुबह शाम दोनों टाइम ही कर लें जो ग्रसित हैं हाई बीपी से, तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम 10-10 मिनट कर लें, और जब भी आप करें तो पहले फ्रेश होके
और उससे फारिग होके पानी वानी पी के और आराम से बैठे तनाव मुक्त होके। तो अगर आप ये दोनों करते हैं प्राणायाम, तो आपको जो हाई बीपी है उसमें बहुत फायदा होगा, ये ध्यान। ये तो प्राणायाम हो गया, क्या इसको लेकर इसके लिए कोई वैसी दवाई जो एलोपैथ ना हो, जो नेचुरल दवाई या औषधि कोई बनाते हो बताएंगे आप? हाँ, मैं आपको इसमें मदद करूंगा कि ये जो दवाई है, ये दवाई अगर हम लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। आप अपने घर पे बनाइए सुशील जी, आप सभी नोट करें, अर्जुन की छाल, सौंठ, पीपल, अनारदाना, काला नमक, हींग और नींबू सर। मैं एक बार और बता देता हूँ पाठकों के लिए कि आपने अर्जुन की छाल, सौंठ, पीपल, अनारदाना, काला नमक, हींग और नींबू सर, आपने 1 किलो में क्या करना है, 500 ग्राम तो आपने अर्जुन की छाल लेना है और बाकी जो 6 चीज़ें हैं, सौंठ है, पीपल है, अनारदाना है, काला नमक है, हींग और नींबू सर है, इनको बराबर मात्रा में लेना है और इसको मिक्स करके रख लेना है। बीपी वाले को सुबह उठने के जैसे ही आप लेटरिन वगैरह चले जाते हैं 7 बजे से पहले 1 चम्मच लेनी है, बहुत ज़्यादा रहता है तो 1 चम्मच शाम को ले लो, दिन में 2 बार ले लो और नॉर्मल है तो 1 बार ले लो। 3 महीने के बाद अंग्रेजी दवाई इसके साथ लेते रहना, 1 महीना 1.5 महीना अंग्रेजी दवाई बंद मत करना, अंग्रेजी दवाई साथ लेते रहना, फिर आप अंग्रेजी दवाई की जो पोटेंशियलिटी है वो कम कर लेना। अगर आप 5 mg की ले रहे हैं तो 2.5 की ले लेना, 2.5 के ले रहे हैं तो तोड़ के आधी टेबलेट कर लेना, इस तरह करके धीरे धीरे 3 महीने तक अंग्रेजी दवाई को धीरे धीरे बंद करना है, एकदम नहीं करना है। और 3 से 6 महीने के बाद आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहने लग जाएगा और आपको बीपी का कोई रोग नहीं रहेगा। तो हमें बीपी 3 प्रकार से था, तीनों बातों पर ध्यान देना है। तनाव बढ़ने से बीपी होता है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, आपका जो मल साफ नहीं होता तो बीपी होता है, तो आपको पहले बता दिया मल पे पूरा पेट कैसे साफ होगा उसका ध्यान रखना है। और इसी तरह जब आपका कोई भी कार्य बन नहीं पाता तो हम अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपके घर में जो भी समस्या आए, आप जिस भगवान की भी पूजा करते हो उसके सामने अपनी समस्या को रखो और भगवान के ऊपर छोड़ दो और आप अपना जो कार्य है वो अच्छे ढंग से करो तो आपका जो बीपी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते हुए जरूर ले लेना, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो हाई बीपी फौरन हो जाता है और लोअर बीपी के अंदर आपको जो सेंधा नमक और काला नमक जो है उसको थोड़ा खा लेना तो वो कंट्रोल रहेगा। तो सुशील जी, ये हाई बीपी का है जो बहुत ज्यादा आजकल हम ग्रसित रहते हैं। लो बीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? लो बीपी के लिए तो मैंने आपको कहा है दो तो एक्सरसाइज है और उसके बाद मैंने लास्ट में अभी आपको बताया है कि काला नमक और सेंधा नमक इनका सेवन करते रहें तो आपका जो लो बीपी है वो कंट्रोल हो जाएगा। चौथाई चम्मच जो है काला नमक और चौथाई चम्मच जो सेंधा नमक, अलग अलग, एक को सुबह ले लें, एक को शाम को ले लें, तो लोअर बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा। कोशिश करें पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें। बिल्कुल, ये बीपी की समस्याओं को लेकर डॉक्टर साहब का वो था। डॉक्टर साहब, आप अपना नंबर और संपर्क बता दें, आपको भी अगर किसी तरह कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और आप प्रवासी एक्सप्रेस से भी संपर्क कर सकते हैं और खुद नंबर बता रहे हैं डॉक्टर केएल गर्ग, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, यही गुरुग्राम में रहते हैं और वहां जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार मैं सुशील जी बहुत आभारी हूं आपका कि आप सुशील जी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और गुड़गांव के अंदर सेक्टर 14 में मेरा मकान नंबर 719 है और इसके अलावा मेरा जो मोबाइल नंबर है 7678532545, दूसरा है 9999578881, 4 बार 9 57 3 बार 8 और 1। साथियों, ये बहुत जानलेवा बीमारी है, घर के संबंध खराब कर देती है, डाइवोर्स करा देती है,
अपने बच्चों के अंदर प्यार खत्म कर देती है, रिश्तेदारी में प्यार खत्म कर देती है। ये एक ऐसी बीमारी है, आपने इस बीमारी पे बहुत सावधानी पूर्वक अपने आप को निरोग बनाना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और सावधानी बरतकर ऐसी बीमारियों को से निजात पा सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।